हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी होती है। तो ये टॉपिक समझने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जब कोई कंपनी, जब कोई फर्म गुड्स सेल करती है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। गुड्स सेल करने के केस में हमने जर्नल एंट्री पहले से ही सीखी हुई है। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, अगर हमने कैश में सेल की है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर यही गुड्स मैंने क्रेडिट में सेल की है, उधार बेची है, तो मैं क्या करूंगा, उस पार्टी के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। मान लो मैंने सामने वाली पार्टी जो ए है इसको सेल की है, तो आप क्या करोगे, ए को डेबिट करोगे और क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। तो मतलब अगर आप गुड्स कैश में सेल करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर आप गुड्स क्रेडिट में सेल करते हो तो पार्टी को आप डेबिट कर दो और टू सेल्स अकाउंट। अब बात आती है कि अगर हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, आप लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देते हो, या आपका कम्युनिकेशन सेक्टर का बिजनेस है, या आप किसी को एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटीज देते हो, तो जो भी सर्विसेज हम लोगों को देते हैं उन सर्विसेज देने के बदले हमें अपनी बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्री करनी होती है। बिल्कुल सिंपल है, सेम ही है, हम गुड सेल करें या सर्विसेज सेल करें, हमको जर्नल एंट्रीज यही करनी होती हैं। अगर मैंने किसी को सर्विसेज कैश में प्रोवाइड की है तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर हमने सर्विसेज किसी को क्रेडिट में दी है, उधार में दी है, तो हम क्या करेंगे, पार्टी को डेबिट करने वाले हैं और सेल्स अकाउंट को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। अगर आपको ये टॉपिक कंफ्यूज करता है कि हम गुड्स के लिए तो सेल्स वर्ड यूज करते ही हैं, सर्विसेज के लिए सेल्स वर्ड क्यों यूज करते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी की बुक है, जिसमें आप सेकेंड चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टडी करते हो, तो वहां पर आपको सेल्स का टॉपिक दिया हुआ होगा। उस टॉपिक में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, दोनों के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है, सेल्स वर्ड ही यूज करना है। पर आप सेल्स वर्ड का यूज वहां नहीं कर सकते अगर आप अपनी एसेट्स या प्रॉपर्टीज को सेल करते हो। यस, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के केस में तो आप सेल्स वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, पर अगर आप अपनी एसेट्स को सेल करते हो तो एसेट्स को सेल करने के लिए हम सेल्स वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो मैं लास्ट में टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं, अगर आपने गुड्स सेल की हैं या सर्विसेज सेल की हैं तो हमारी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सेम ही होने वाली हैं। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी दिए हुए हैं और प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।